जी डियर मेडिकोस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट्स। डियर मेडिकोस, आपके सामने जो एक आर्टिफिशियल ऑर्गन नज़र आ रहा है, इनको हम हार्ट कहते हैं। आज हम हार्ट की डेफिनेशन, हार्ट की लोकेशंस, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट के वॉल, हार्ट की जो साउंड होती हैं, उसकी लेयर्स होती हैं, और हार्ट के फंक्शन को जो है ना, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भी हार्ट है क्या। डियर मेडिकोज, हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन्स। ये जो हार्ट है, ये मसल्स का बना होता है। इसका बेसिक फंक्शन जो है, वो ब्लड को पंप करना होता है। डियर मेडिकोज, हमने कहा कि जो हार्ट का मेन फंक्शन है, वो ब्लड को पंप करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड कितनी तरह का होता है। एज वी नो डैट देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड, वन ऑफ दैम इज ऑक्सीजनेटेड एंड अदर इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हार्ट होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। अच्छा भी, एक होता है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा होता है डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वान्टिटी प्रेजेंट हो, वाफर मकदार में हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो हो वो मिनिमम हो या ना होने के बराबर हो, उसे हम कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हम मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज़ करते हैं। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब हमारे दिल का काम क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी पार्ट्स के कौन कौन से हिस्से से, और हार्ट के कौन से पार्ट उसको रिसीव करते हैं, और हमारे हार्ट्स के किस चैम्बर में ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है, कौन से पार्ट इसको पंप करने में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डियर मेडिकोस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास हार्ट नज़र आ रहा है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, मसल्स का बना हुआ होता है। ये हमारे पास एओर्टा है। एओर्टा दो तरह का होता है, एक होता है असेंडिंग एओर्टा और एक होता है लोअर साइड पे डिसेंडिंग एओर्टा। जो असेंडिंग होगा वो ऊपर वाली साइड पे होगा, जो डिसेंडिंग होगा वो नीचे वाली साइड पे होगा। इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, और इसी तरह एक नीचे होता है उसे हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा ऊपर वाली साइड से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जैसे कि हेड वाले रीजन से, नेक वाले रीजन से, अपर लिम से, उन पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और वो लेके आएगा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में, इस पार्ट में लेके आएगा। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे, इसके चैम्बर डिस्कस करेंगे, वॉल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये जाना कि जो सुपीरियर वेना कैवा होता है, ये हमारे अपर लिम्ब से, हेड से, नेक से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये कहाँ पे लाएगा? डियर मेडिकोज, राइट एट्रियम में। इसी तरह सेम एक नीचे होता है इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा भी लोअर साइड से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये भी हार्ट्स के चैम्बर में लाता है। अच्छा भी, हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टरीज, वेन्स, इसमें क्या फ़र्क है। डियर मेडिकोज, जो वेन्स होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में कलेक्ट करती हैं। सेम इसी तरह हमने पढ़ा कि सुपीरियर वेना कैवा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर साइड से कलेक्ट करता है। सेम इसी तरह इन्फीरियर वेना कैवा भी हमारे एब्डोमन से, लोअर लिम से, डिफरेंट ऑर्गन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये भी राइट एट्रियम में लेके आएगा। इन बातों से हमें ये शो होता है जो वेन्स होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा की मदद से बॉडी पार्ट के डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। अच्छा भी, अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। डियर मेडिकोज,
हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स पे कंसिस्ट होता है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है अपर चैम्बर, एक है लोअर, अपर पार्ट या लोअर पार्ट। जो अपर है वो इसे हम कहते हैं एओर्टा, ये भी एओर्टा है, ये भी एओर्टा है, लेकिन इसे हम कहेंगे राइट एट्रियम, सॉरी, ये हमारे पास एओर्टा है, ये हमारे पास एट्रियम है, और ये हमारे पास है वेंट्रिकल। इसे हम कहेंगे राइट एट्रियम, इसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे क्या हो गए, चैम्बर्स हो गए। ये डियर मेडिकोज एमसीक्यूज आता है कि हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, तो आपने जवाब देना है देर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, वन ऑफ देम इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये 5 स्टार टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये आता है कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डी ऑक्सीजनेटेड। तो डियर मेडिकोज आपने कहना है कि राइट एट्रियम में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये आता है कि जो सुपीरियर वेना कैवा होती है, ये हमारे अपर लिम से, नेक वाले रीजन से, हेड वाले रीजन से जो ब्लड को कलेक्ट करके आती है, तो किस चैम्बर के पास ब्लड को भेजेगी। तो डियर मेडिकोज आपने कहना है राइट एट्रियम में भेजेगी। 5 स्टार टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के किस चैम्बर में प्रेजेंट होता है। तो डियर मेडिकोज ये हमने स्टडी कर ली कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये देखें डियर मेडिकोज, ये तो अब इस चीज़ के बारे में हमने स्टडी कर ली कि इसको हमने ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक अपर एक लोअर। अपर में एक हमारे पास राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास है एओर्टा, ये सुपीरियर वेना कैवा, और सेम नीचे होता है इन्फीरियर वेना कैवा। ये है असेंडिंग एओर्टा, और नीचे होता है डिसेंडिंग एओर्टा। अब फंक्शन की बात करें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हार्ट होता है वो क्या करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनके वॉल के बारे में कि ह्यूमन हार्ट्स के पास कितने वॉल होते हैं। डियर मेडिकोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 5 स्टार टॉपिक। आपने कहना है कि ह्यूमन हार्ट्स के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, उनको हमने नेम दिया हुआ है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल। ये जो हमारे पास एक वॉल नज़र आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। द वर्ड ट्राई मीन 3 एंड द वर्ड बाई मीन 2। ये देखें भाई, ये हमारे पास एक वॉल है, इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। फॉर एग्जांपल, अब ये सुपीरियर वेना कैवा बॉडी के डिफरेंट रीजन से ब्लड को कलेक्ट करके आई राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व है, अगर ये वॉल्व ना हो तो क्या होगा, ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। जब ब्लड मिक्सअप होगा तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। तो बेसिक फंक्शन जो है वॉल का वो ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट आउट करना, एक बात। दूसरा काम, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। डियर मेडिकोज ये हमारे पास हो गया ट्राइकस्पिड वॉल, द वर्ड ट्राई मीन 3, और ये हमारे पास हो गया बाइकस्पिड वॉल, और ये हमारे पास हो गया, ये देखें डायग्राम में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वॉल। इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल। इसको हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल। अच्छा, एक एमसीक्यू आता है कि बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल, इसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। उसके बाद एक और है, इसे हम कहेंगे एओर्टिक वॉल।
ये डायग्राम में देखिए डियर मेडिकल, आपको क्लियरली इमेज नज़र आ रही होगी, इसे हम कहेंगे एओर्टिक वॉल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भी एक जो इंसानी दिल है उसके कितने वॉल होते हैं, तो आपने कहना है डियर मेडिकल उसके 4 वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड एओर्टिक वॉल। ये हमारे पास हो गया, ये एक वॉल है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी, इसे हम नाम देंगे एओर्टिक वॉल, इसे हम नाम देंगे जनाब ट्राइकस्पिड वॉल, इसको हम नाम देंगे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। डियर मेडिकोज, हमने अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के वॉल्स के बारे में स्टडी कर ली, 4 वॉल्स होते हैं। इससे पहले हमने ये स्टडी की कि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, इनके नेम भी हमने वन बाई वन डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने एनाटॉमी में ये भी जाना कि ये हमारे पास एओर्टा है, असेंडिंग, और नीचे होता है डिसेंडिंग। उसके बाद हमने ये भी इसके बारे में भी स्टडी कर ली कि ये सुपीरियर वेना कैवा है और ये इन्फीरियर वेना कैवा है, और बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ये भी स्टडी कर ली कि सुपीरियर वेना कैवा हमारी बॉडी के किस रीजन से कौन सा ब्लड कलेक्ट करके और राइट एट्रियम में लाता है। इसी तरह इन्फीरियर वेना कैवा के बारे में भी हमने स्टडी कर ली। डियर मेडिकोज, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हमने स्टडी करनी है कि जो हमारा हार्ट्स है इनकी कितनी लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स का फंक्शन क्या होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो डियर मेडिकोज, ह्यूमन हार्ट्स की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये देखें भी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर होगी ना, अंदर वाली इनसाइड, उसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम। द वर्ड एंडो मीन्स इनसाइड, इसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम। ये हमारा हार्ट्स है, ये मसल का बना हुआ है। जो अंदर वाली लेयर होगी उसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम, जो बाहर वाली होगी उसे हम कहेंगे एपिकार्डियम, जो बीच में होगी मसल्स की बनी होगी उसे हम कहेंगे मायोकार्डियम। द वर्ड मायो मीन्स मसल्स, एंडोमीन इनसाइड, एपी आउटसाइड। आउटसाइड भी हम कहते हैं और अपर भी कहते हैं। मींस के जो लेयर हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसे हम नाम देंगे एपिकार्डियम, जो अंदर होगी इनसाइड होगी उसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम। और इसी तरह इसके सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आप जान लें कि ये जो हार्ट्स की लेयर्स होती हैं ये हार्ट को प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। हार्ट की जो पेरिकार्डियम एक एक होती है, पेरिकार्डियम लेयर्स होती हैं, ये हार्ट्स को सबसे इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि ये इसको फ्रैक्शन से बचाती है। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूड नुमा फ्लूड पाया जाता है, वो जो फ्लूड्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन से बचाता है हार्ट को ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट कहाँ पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भी दिल जो है वो इंसानी दिल जो है वो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डियर मेडिकल, इसके बारे में हम ये भी स्टडी करेंगे कि भी हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म कौन परफॉर्म करता है। तो डियर मेडिकोज, जो हार्ट है इसकी लोकेशन की बात करें, द हार्ट इज लोकेटेड अ लिटल द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ द योर चेस्ट। हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? जो ह्यूमन रिब्स होती हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे, तो सबसे पहले जो आपको इंजरी होगी वो आपकी रिब्स को होगी, आपके रिब्स के ऊपर जो मसल्स होंगे उनकी होगी। जो रिब्स होती हैं बेसिकली वो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही होती हैं। डियर मेडिकोज, अगर हम इसकी बात करें कि इसका साइज कितना होता है, इसका साइज जो होता है वो बंद मुट्ठी के बराबर होता है। एक हर पर्सन अपनी अगर ये जानना चाहे कि उसके हार्ट का साइज़ कितना है, ये पर्सन टू पर्सन हार्ट का साइज़ जो है वो वेरी करता है, तब्दील होता रहता है, ठीक ना। आप अगर आप ये देखना चाहें, जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो ये अगर जानना चाहें कि मेरे हार्ट का साइज़ कितना है, तो वो अपनी मुट्ठी को ऐसे क्लोज करें,
जितना उसका बंद मुट्ठी का साइज होगा उस पर्सन के हार्ट का साइज भी उतना ही होगा। एक 86 ईयर ओल्ड पर्सन अपने हैंड को क्लोज करे और देखें कि भी उसका बंद मुट्ठी का साइज़ कितना है। जितना उसकी बंद मुट्ठी का साइज़ होगा उसके हार्ट का साइज़ भी उतना होगा। अब एक 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 बच्चे को देख लें, एक टेन ईयर्स का बच्चा है, वो अपनी बंद मुट्ठी क्लोज करें, अपनी बंद मुट्ठी का साइज़ देखें। जितना उसकी बंद मुट्ठी का साइज़ होगा उसके हार्ट का साइज़ भी उतना ही होगा। ये बात भी आपने जान ली कि अभी उसका साइज़ कितना होता है। डेन मेडिकोज अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ये कितना लॉन्ग होता है और कितना ब्रॉड होता है। डेन मेडिकोज अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। ये वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन जो एवरेज वैल्यू बताई गई है ये मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और 8 सेंटीमीटर ये ब्रॉड होगा। अगर हम इसकी बेस और एपिक्स की बात करें तो जो अपर ब्रॉड एंड्स होंगे ना, इसे हम कहेंगे बेस। ये हार्ट की क्या होगी? बेस। और जो लोअर टिप होगी इसे हम कहेंगे एपिक्स कहेंगे। मेडिकोज ये हार्ट की बेस होगी, ये हार्ट की एपिक्स होगी। अगर आप हार्ट का साइज जानना चाहें, अपनी मुट्ठी को क्लोज करें, जितना बंद मुट्ठी का साइज होगा उतना ही आपके हार्ट का साइज होगा। और ये इसको रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो होता है वो इसको फ्रिक्शन से बचाता है। डेन मेडिकोज हमने कहा था कि इसको ना हमने चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर्स। डेन मेडिकोज अगर हम देखें, ये जो है ना इसके अपर चैम्बर्स हैं और ये जो है इसके लोअर चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर्स की हमने बात की थी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। डेन मेडिकोज जो हमारे अपर चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स बेसिकली ये क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा से जो ब्लड आ रहा होता है ना, वो जो ब्लड रिसीव करते हैं वो करेंगे हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या करेंगे? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, आगे भेजेंगे। डियर मेडिकोज ये था हार्ट के बारे में हमने स्टडी की, और हार्ट के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इस इंसानी दिल जो है ये कितना, एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा। डियर मेडिकोज एक मिनट में 6 लीटर ब्लड को ये पंप करता है। देखिए अगर हम देखें तो ये बहुत ही छोटा सा ऑर्गन से हमारी बॉडी का, एक मिनट में 6 लीटर ब्लड को पंप कर लेता है, 1 मिनट में। अगर हम बात करें इंसानी दिल 8,000 लीटर ब्लड को एक दिन में पंप करता है, 8,000 लीटर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 8,000 लीटर ब्लड को एक दिन में इंसानी दिल जो है वो पंप करता है, मींस 8,000 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन्स है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता। ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डेफिनेटली रेस्ट कर लेते हैं, इंसान खुद भी रेस्ट करता है, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गन्स है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता। 24 आवर्स जो है ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता रहता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट होता है ये कितनी तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है। डियर मेडिकोज हार्ट जो होता है वो 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है, एक होती है लब और एक होती है डब। लब डब, लब डब, लब डब। जब भी आप हार्ट की साउंड को सुनना चाहें तो डियर मेडिकोज हार्ट की 2 ही साउंड होती हैं, एक होती है लब और एक होती है डब। लब डब, लब डब। अच्छा भी अब हमने ये जानना है कि ये लब कब प्रोड्यूस होगी और डब कब प्रोड्यूस होगी। लब साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट एंड आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज। जब हमारे वेंट्रिकल्स क्लोज होंगे और आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल भी क्लोज होगा तब जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे लब। देखिए भी ये हमारे हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये क्लोज होंगे
तो ब्लड ऑटोमेटिकली इधर से चला जाएगा। तो तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? लब की साउंड प्रोड्यूस होगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मींस दोनों वेंट्रिकल्स क्लोज होंगे, तब जो साउंड प्रोड्यूस होगी उस साउंड को हम नाम देंगे लब का। अब हम देखते हैं कि डब कब प्रोड्यूस होगी। लब डब, लब तो प्रोड्यूस होगी जब वेंट्रिकल क्लोज होंगे। अब डब प्रोड्यूस होगी, डब इज प्रोड्यूस व्हेन पुलमोनरी वॉल एंड एओर्टिक वॉल मींस सेमी लूनर वॉल्स क्लोज, देयरफॉर प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। जब पुलमोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल क्लोज होंगे, ये हमारे पास पुलमोनरी वॉल है और ये हमारे पास एओर्टिक वॉल है। पुलमोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल जब क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? सारे बोले कौन सी प्रोड्यूस साउंड होगी? डब की। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 5-स्टार टॉपिक है कि लब कब प्रोड्यूस होगी और डब कब प्रोड्यूस होगी। डियर मेडिकोज, ये मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जब हमारे पास वेंट्रिकल क्लोज होंगे तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या नाम देंगे? सारे बोले लब। नो जब पुलमोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल जब ये क्लोज होगी, तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब डब। गुड। अच्छा, भी इसके बाद अगर हम बात करें कि इंसानी दिल जो होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे डिफरेंट बॉडी रीजन्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड परफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बारे में हम मज़ीद भी एक और बार जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हमने कितने चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है। डे मेडिकोज, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भी पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है। आर्टरीज, वेंस और आर्टरीज, कैपिलरी वेंस एंड कैपिलरीज। कैपिलरी डे मेडिकोज, आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये आर्टरीज का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज टू ट्रांसपोर्ट हाईली ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम आवर हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है और जो वेन्स होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करती है। वेन्स क्या करेंगी? बॉडी के डिफरेंट रीजन से, बॉडी के डिफरेंट रीजन से, लोअर लिम्ब से, अपर लिम्ब से, डिफरेंट ऑर्गन से क्या करेंगी? ब्लड को, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद या इंफीरियर वेना के पास लेके आएगी या सुपीरियर वेना के पास लेके आएगी। जो लोअर साइड वाला ब्लड होगा वो वेन्स कलेक्ट करके वो लेके आएंगी इन्फीरियर वेना कैवा के पास। जो अपर लिम्ब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कैवा के पास लेके आएंगी और आखिरकार आके राइट एट्रियम में उसको फेंक देंगी। ये हुआ डियर मेडिकोज वेन्स का काम। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेन्स क्या काम करती हैं, तो आपने कहना है वेन्स जो होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा की हेल्प से उसको राइट एट्रियम में लेके आती हैं। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज डियर मेडिकोज, ये क्या करती हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ये एओर्टा की मदद से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, जो ब्लड ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया हुआ है, उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी रीजन्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। डियर मेडिकोज, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में कि भी हार्ट के पास कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं। इसमें होती हैं राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। एक पल्मोनरी ट्रंक भी होता है, ये आपके पास नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ये हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है। ये उसके बाद ये हमारे पास जो है ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ये हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ये हमारे पास राइट पल्मोनरी वेन है। इसी तरह अगर हम इधर देखें, ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होंगी। डियर मेडिकोज, हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।
इंशाल्लाह आपको एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल जो है वो अच्छा लगा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मेरे लेक्चर से रिसीव हुई है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।